हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की बात, अच्छा सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूँ कि हाँ, इसको मैं थोड़ा लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने कल के दिन भी बताया था कि आज के दिन दो इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें से पहला वाला इवेंट तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कौन सा? यस, RBI की MPC की बैठक का। सो कोई भी रेट में बदलाव नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो पुरानी चीज़ें थी वैसे उन्होंने इंटैक्ट यहाँ पे रखी हुई है। कुछ फोरकास्टिंग बदल दी GDP के हिसाब से एंड इन्फ्लेशन के हिसाब से, बाकी मैक्सिमम चीज़ें सेम ही देखने को आप मिल चुके हैं। हाँ, बट उनका जो बयान था कि 4% के आसपास कॉन्स्टेंट अगर इन्फ्लेशन आएगा तभी जाके हम लोग रेट कट का विचार करेंगे, तो उनके फोरकास्टिंग के साथ वो मैच होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जो कि हम कह सकते बाजार को थोड़ा नाराज़ कर सकता था। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट का, इंतज़ार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, बट जैसे कि आपको कल के दिन भी बताया था, ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है वो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा 3:30 बजने के बाद। सो किसकी हम लोग बात करें? यस, अमेरिकन बाजार की। तो अमेरिकन बाजार भी अभी भी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बाद में 7 बजे के आसपास ओपन यहाँ पे हो जाएगा। सो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है, एंड आप सभी लोगों को बताया फिलहाल तो अमेरिकन बाजार की फोकस में देखने को मिल गया, रिसेशन की चर्चा स्टार्ट हो गई। ठीक है, कि लगातार लोग नौकरियां खो रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ उतनी देखने को नहीं मिल रही है, तो अमेरिका रिसेशन की ओर धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है करके। और अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड कुछ डेटा भी हम लोगों ने रिसेंटली देखे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं बोली जाती है, डेटा के हिसाब से इसकी बातचीत यहाँ पे होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो PMI का डेटा आया था ISM से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने देखी थी, एक्सपेक्टेशन था 48.8 आना चाहिए, बट एक्चुअल में 46.8 आया। तो काफ़ी ख़राब डेटा हम लोग को देखने को मिल गया था ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की अगर हम लोग बात करें तो। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो डेटा आया, कौन सा? जॉबलेस क्लेम का। ये डेटा ने तो लिटरली आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें 1 अगस्त को, तो यहाँ पे 236 के लोग नौकरियाँ खो सकते हैं ऐसा अनुमान था, बट एक्चुअल में 249 आ गया। मतलब के मतलब बहुत ही ख़राब डेटा हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब फेड तो चाहता था कि यहाँ पे कुछ मतलब लोग नौकरियां खोए, बट इतना नहीं, 236 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए या फिर 235, ये तो कुछ ज़्यादा ही चला गया। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों फिर बातें यहाँ पे स्टार्ट हो गई, भाई ये तो रिसेशन इतना इन्होंने लेट कर दिया फेड ने कि ये तो रिसेशन की ओर यहाँ पे आगे बढ़ रहे करके। एंड उसके बाद अगर किसी ने तड़का लगा दिया और भी ज़ोरदार तरीके से, तो वो था जापान के बैंक ऑफ जापान, मतलब वहाँ की सेंट्रल बैंक ने। तो आप सभी लोगों को पता है उन्होंने रेट हाइक करके यहाँ पे रखा हुआ था। एंड उसी के साथ साथ जो येन कैरी ट्रेड वाला जो मैटर हम लोग को देखने को मिल गया, कि लोगों ने जापान से वो लोन लेते थे कम ब्याज के ऊपर, एंड अमेरिका के में इक्विटी में पैसा लगा कर रख देते थे ज़्यादा रिटर्न के चलते, तो क्या हो गया कि वहाँ पे रेट लगातार उन्होंने हाइक कर दिया, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से वो पॉजिटिव में आ गए। एंड उसके बाद तो सीधा और रेट हाइक यहाँ पे हो गया कई सालों के बाद, तो इस चीज़ के चलते पूरा उनका गणित ही बिगड़ गया। ठीक है, मतलब 17 साल के बाद उन्होंने इतना बड़ा रेट हाइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसी चीज़ के चलते लोगों ने फटाफट इक्विटी में जो निवेश किया था अमेरिकन बाजार में वो निकालना स्टार्ट किया। एंड आपको याद ही है कि कैसे बाजार हज़ार पॉइंट क्रैश होते हुए देखने को मिला था। सो अभी इसके आगे क्या? तो इसके आगे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सब कुछ खेल डेटा के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेटा के ऊपर ही फोकस रहेगा। एंड ये जो रिसेशन की बातें यहाँ पे चल रही है कि अमेरिका रिसेशन में है या नहीं है, ठीक है, अलग अलग जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, मतलब अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जो बातचीत हो रही थी ना कि अमेरिकन बाजार एकदम ही ब्रूटली कोलैप्स हो रहा था और शायद से लेट नाइट इमरजेंसी रेट कट हो सकता है करके ऐसी बातें हो रही थी। एंड उसी रात फेड के पॉलिसी मेकर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिले। सबसे पहले तो सामने आके उन्होंने पहला शब्द तो यही निकाला कि भाई मैं सामने इसलिए नहीं आया हूँ कि इमरजेंसी रेट कट कोई करने वाला हूँ करके, तो ये दिमाग से निकाल दे। तो उन्होंने बस इतना ही पॉइंट यहाँ पे सामने रख दिया कि हाँ, आने वाले समय में हम लोग आपको ये सिग्नल दे सकते हैं कि रेट कट बहुत ही नज़दीक है करके, मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी सितंबर में मीटिंग रहेगी तभी हो सकता है करके, बट वी आर नॉट इन रिसेशन। ये फेड के पॉलिसी मेकर ने ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा था, बट जैसे वो सामने आ गए काफ़ी लोग यही उम्मीद करके चल रहे थे कि रेट कट होगा करके, और इसीलिए बाजार 1000 पॉइंट जो गिरा था वो काफ़ी रिकवर किया था नीचे से 400-500 पॉइंट के आसपास। एंड जैसे ही पता चला कि भाई उन्होंने तो भाषण ही दिया है करके, फिर वापस बाजार गिरा था। अभी की बात नहीं, 3 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, बट मैं आप लोगों को जस्ट एक वो फ्लो याद दिलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो जो ये बातें वो बोल रहे हैं कि रिसेशन में नहीं है अमेरिका की इकोनॉमी, तो ये सच है या झूठ है? तो जैसे आपको बताया, ये सब कुछ डेटा के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहती है। एंड डेफिनेटली अभी कि अगर मैं बात करूँ तो शाम को 6 बजे जॉबलेस क्लेम का डेटा अभी हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। सो इनफैक्ट वो डेटा अभी सामने यहाँ पे आ भी चुका होगा। सो वो डेटा हमें बताएगा कि लोगों ने कम नौकरियाँ खोई या ज़्यादा खोई। अगर पिछले टाइम जैसा जॉबलेस क्लेम का डेटा आया तो भाई बहुत ही हालत ख़राब हो सकती है अमेरिकन बाजार की। एंड अमेरिकन बाजार ख़राब होगा तो ग्लोबल मार्केट को ख़राब कर देगा और हमारे भी बाजार उसी में मुफ्त में यहाँ पे मारे जाएंगे। तो यही डेटा देखने वाली बात है कि कैसा डेटा निकल कर आता है करके।
तो चलिए उसी के ऊपर अभी आ जाते हैं, बिकॉज अभी टाइमिंग तो यहाँ पे हो चुका होगा और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जॉबलेस क्लेम का डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इस वक्त एक्सपेक्टेशन था 241 लोगों की नौकरी यहाँ पे जानी चाहिए करके, और कितने के चले गए, केवल 233 के। ऑब्वियसली लाखों में ये डेटा देखने को मिल रहा है, के मतलब 1000 में होता है, आप सब लोगों को पता ही है। सो लास्ट टाइम ये डेटा हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला था, एंड इसी चीज़ के चलते रिसेशन का डर की बात देखने को मिली थी। तो अभी आप देख सकते दोस्तों ये डेटा कंपेरेटिवली कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि रिसेशन के हिसाब से जो बातचीत यहाँ पे चल रही थी उस हिसाब से तो ये अच्छा वाला पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। ये देखिए, बार बार मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगा, लास्ट टाइम 236 के बदले 249 और इस वक्त 241 का अनुमान था, बट कम लोगों ने ही यहाँ पे नौकरियाँ खोई है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। 241 लोग फॉर्म भरेंगे ये एक्सपेक्टेशन था, बट एक्चुअल में 233 ने ही फॉर्म यहाँ पे भरा है। तो ये एक डेटा हम लोगों को बताता है कि जो एक रिसेशन से रिलेटेड जो बातें यहाँ पे बोली जा रही थी कि है करके, तो अभी इसके चांसेस और भी थोड़े बहुत हम लोगों को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रिसेंटली एक और डेटा भी हमारे सामने यहाँ पे आया था, वहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया था सर्विसेज का, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत डिसेंटली डेटा देखने को मिल रहा था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिसेशन की बातें यहाँ पे की जा रही थी, ठीक है, थोड़ा सा ओवर रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अभी सारी चीज़ें अभी हम लोगों को, मतलब इतना तो कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में कि रिसेशन से रिलेटेड चांसेस इस डेटा को देखकर तो कम नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड अमेरिकन बाजार का फ्यूचर क्या कहलाता है, तो आप देख सकते हो नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है, नीचे अच्छा खासा गिरा हुआ था, अभी टॉप पे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी भी सारी चीज़ें मतलब खत्म नहीं हुई, ये चीज़ें चलती रही। ये देखो एकदम से जंप हम लोग को 141 पॉइंट्स की देखने को मिल चुके हैं। इसको मैं कैंडल स्टिक पे लगा दूँ ना तो थोड़ा सा ठीक देखने को मिल जाएगा, बट वो विजुअल ये देखो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक हरा बड़ा बार बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो इनिशियल जो डेटा सामने आया है अच्छे वॉल्यूम के साथ, वो डेटा हम लोग को मतलब मार्केट ने इसको थोड़ा सेलिब्रेट किया है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि लाइफ टाइम ये ऐसा ही चलेगा करके, बाजार प्लस माइनस से चलता रहता है। अभी वापस शाम तक कोई दूसरा डेटा आ गया, वो कोई ख़राब रहेगा तो वापस बाजार उसके ऊपर दूसरा रिएक्शन करेगा। इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रेडर ऐसे ही दाव लगाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। बट इसमें एक अच्छी बात हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है कि जॉबलेस क्लेम का जो डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है, वो यहाँ पे कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि रिसेशन की जो बातें हम लोग को देखने को मिल रही थी अमेरिका से रिलेटेड, वो फिलहाल तो थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत इसका जो स्पीड है वो नॉर्मल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम माइनस में यहाँ पे चल रहा था, निचले स्तर से डायरेक्टली 100 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल तो देखने को मिल चुकी है। नो डाउट ये तेज़ी मंदी यहाँ पे चलती रहेगी इनिशियल स्टेज पे, अभी ये कितना टिकाऊ है वो देखने वाली बात रहेगी। और एक्चुअल पिक्चर तो जब डाउ जोन्स यहाँ पे ओपन होगा तभी पता चलेगा कि बाजार इसको फुल फ्लेजेडली किस प्रकार से रिएक्शन दिखाता है करके। बट ऊपर से अगर हम लोग इसका एक क्विक रिव्यू यहाँ पे ले ले तो इससे ये एक पता चल गया कि चलो एटलीस्ट जो अगर ये लास्ट टाइम ऐसा अगर आ जाता ना लाल निशान में अगर ये डेटा आ जाता तो एक बहुत बड़ी लाल कैंडलस्टिक बन सकती थी, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे हरा चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक हरा कैंडलस्टिक हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि एकदम नीचे लाल लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो शायद से चीज़ें ठीक ठाक नजर आएगी। ये देखो अभी आप लोगों को वो सिनेरियो नज़र आ रहा होगा कि कैसे एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि इससे क्या हो गया कि अमेरिकन बाजार ने फिलहाल जो जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आया है वो देखकर मतलब वो एक सांत्वना मिल गई, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा बहुत चेक कर ले क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पढ़ना तो चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जो डेटा देखने को मिला है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे रिलैक्स करने वाला डेटा है, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रांस के बाजार में कोई कैंडलस्टिक बनी है क्या, तो अभी तक तो नहीं बनी है, आप इसको बाद में रिफ्रेश करके देख लेना क्योंकि टाइम लगता है कभी कभी इन चीज़ों को होने के लिए, ठीक है। देन जर्मनी का बाजार को देख लेते रिफ्रेश करके, कभी कभी टाइम यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं। चलो फुटसी को देख लेते यहाँ पे रिफ्रेश करके। अच्छा फुटसी में थोड़ा बहुत वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे निचले स्तर से एकदम सडनली एक तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही करके, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई करके, अलग अलग डेटा आता रहता है उस हिसाब से चीज़ें हम लोग को उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे वो रिएक्शन दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी तक का जो डेटा था वो कौन सा था, जॉबलेस क्लेम का डेटा था, वो काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हरी कैंडलस्टिक फिलहाल तो बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं कि शुरुआत के जो मतलब क्रिकेट का एग्जांपल की बात करें, पावर प्ले तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को नहीं, ये देखो हरे के ऊपर हरा हरा कैंडलस्टिक और यहाँ पे बिल्ट होते हुए देखने को मिल रहे। बुल वाले थोड़े से कोशिश कर रहे इस चीज़
इस डेटा को पकड़कर कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा तेजी करने का अमेरिकन बाजार की बात करें तो, ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है। बट अगेन कह रहा हूँ, जो मेजर जो मैच रहेगी वो अभी डाउ जोन्स जब ओपन होगा तभी पता चलेगा। बट इस डेटा के चलते हम कह सकते हैं डाउ जोन्स की जो ओपनिंग है शायद से थोड़ी बहुत बेहतर हरे निशान में हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक आखिरी बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। बट ये तो हम लोग यहाँ से वो तेजी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो और भी अच्छी तेजी नजर यहाँ पे आ रही है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि रिसेशन से रिलेटेड जो डेटा देखने को मिल रहा है जॉबलेस क्लेम वाला, उसने तो अपना यहाँ पे काम कर लिया है, ये बता दिया है कि एटलीस्ट जॉबलेस क्लेम के डेटा के हिसाब से भाई अमेरिका की इकोनॉमी फिलहाल तो रिसेशन में है नहीं करके। अभी और भी अलग अलग डेटा आएंगे तब वो अलग अलग डेटा हमें अलग अलग इंडिकेशन देंगे, उसके ऊपर अलग अलग ट्रेडिंग यहाँ पे चलेगी, अलग अलग दाव खेले जाएंगे, उसको हम लोग बाद में अलग अलग डेटा के हिसाब से जब वो प्रेजेंट होगी तभी कवर कर लेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों एक छोटा सा एक नया एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो था, आपको बताइए थोड़ी सी लाइव चीज़ें कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ। पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।